बॉक्स है जिसमें आपने मंचूरियन रखा हुआ है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये गरम है, तो ये गरम कैसे है? कर दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ बनारस के घाट पे और वहाँ पर हमें मिले एक भैया जी जो कि अपनी दुकान अपने साथ में ही लेके चलते हैं और ये उनकी दुकान है जिसपे वेज मंचूरियन बेचने का काम भैया जी करते हैं। भैया जी से जानेंगे हम उनकी दुकान के बारे में और उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तो भैया जी, क्या क्या सर्व करते हो आप, क्या बनाते हो? मंचूरियन सर, वेज मंचूरियन है ना, वेज मंचूरियन भैया बनाते हैं, तो एक हमारे लिए बनाइए फिर। तो ये है भैया जी का सेटअप, तो आप घर से ही बना के लाते होगे भैया, है ना? अच्छा, घर से ऑलरेडी भैया बना के लाते हैं और इसको ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में मंचूरियन मैं पहली बार खा के देखूंगा क्योंकि आज से पहले मैंने दोने में खाई है। आइए देखते हैं इसमें और दोने वाले मंचूरियन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है रहता है। तब तक के लिए मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या भैया इसके अंदर डालेंगे और क्या क्या नहीं। तो ये कुछ भैया जी का सेटअप है सर्व करने का तरीका है। ग्लास के ऊपर ये क्या डाल रहे हो भैया? नमकीन सर। नमकीन, अच्छा ये नमकीन है जिसको हमारे यहाँ सेव बोलते हैं और इसको मंचूरियन के ऊपर डालेंगे और उसके बाद भैया इसमें क्या क्या डालेंगे हमें बताते जाना, ठीक है? ये आपका सेटअप बनके तैयार हो गया है ना? तो ये जो है आपकी मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। एक गिलास उसके अंदर मंचूरियन, मंचूरियन के ऊपर नमकीन। मंचूरियन भैया आप घर से बना के लाते हो और ये नमकीन ये खरीदते हो या बनाते हो? नमकीन सर, हाँ नमकीन सर रेडीमेड लेते हैं सर। अच्छा, रेडीमेड है, घर पर नहीं बनाते हैं। तो नमकीन जो है वो भैया खरीदते हैं, घर पर नहीं बनाते, रेडीमेड है। और तो भैया अपना नाम बता दीजिए एक बार। सुभाष सर। सुभाष, तो भैया जी का जो नाम है वो सुभाष है। और भैया जी कब से बेच रहे हो आप ये वेज मंचूरियन यहाँ पे? सर अभी तो एक हफ्ता हुआ है। एक हफ्ता हुआ है, पहले हम लोग सूप बेचते थे, 3 साल 4 साल हो गया। अच्छा, अभी ये हम लोग बॉम्बे में सीख के आए हैं, ये करते हैं सर। अच्छा, तो आप यहीं पे बेचते थे या कहीं और भी, बनारस से बाहर भी? बाहर भी सर। अच्छा, अमृतसर। अमृतसर, अच्छा। तो भैया जी पहले अमृतसर में काम किया करते थे और अब भैया जी सेवा कर रहे हैं बनारस के अंदर। भैया जी ये जो आपका बॉक्स है जिसमें आपने मंचूरियन रखा हुआ है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये गर्म है, तो ये गर्म कैसे है? ये सर ये चल रहा है, कोयले चल रहा है सर उसके नीचे। हाँ, उसके नीचे कोयले चल रहे हैं जिसकी वजह से गर्म रहता है पूरे दिन। तो पूरे दिन गर्म लेके घूमते आप? नहीं सर, अच्छा निकलते 4 बजे निकलते हैं। 4 बजे निकलते हैं, तो आप एक बार टाइमिंग बता दीजिए, आप कितने बजे निकलते हो, कितने बजे तक दुकान चलाते हो और कब बंद करते हो? ये सर 4 बजे 3 बजे निकलते हैं, 8 बजे तक बेचेंगे। अच्छा, 8 बजे तक, मतलब जब तक माल रहता है तब तक बेचते हो, है ना? यानी कि जब तक माल रहता है तब तक भैया बेचते हैं इसको मंचूरियन को। और अपना जगह और बता दीजिए, आप कहाँ से कहाँ तक बेचते हो ताकि जो लोग देखें वो आपके पास तक आ सके? इधर अपना जो अच्छा रेशम कटरा और कहीं तो इधर नई सड़क, यहाँ बस। अच्छा अच्छा, तो यानी कि ये जो घाट वाला एरिया, रेशम घाट और नई सड़क वाला एरिया है, यहीं पर भैया अपनी दुकान चलाते हैं। तो कभी भी अगर आप बनारस आते हो और भैया की दुकान आपको मिलती है तो वेज मंचूरियन का मज़ा एक बार जरूर लीजिएगा। एक गिलास की कितना वो रखते हो पैसे, कितने प्राइस रहती है? 7 बॉल है सर। क्या चीज़, 7 बॉल है? नहीं, रेट कितने रखते हो? एक ये कितने रुपए का है? ये 20 रुपए का सर। ये गिलास 20 रुपए का है, तो ये 20 रुपए का है, 20 रुपए से ज़्यादा या कम का भी है कोई? 15 का भी है, 10 का भी है। अच्छा, 10 का भी है, 15 का भी है और 20 का भी है। तो ये जो गिलास है वो 20 रुपए का है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो एक बार मैं आपको यहाँ का पूरा माहौल दिखा देता हूँ, पूरा जो सेटअप है वो दिखा देता हूँ। भैया का जो सेटअप है वो ज़्यादातर मार्केट में रहता है और जैसा कि आपको पता है कि साइकिल पे भैया अपना काम करते हैं तो वो एक जगह से इधर उधर जाते भी रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक साथी इसको चेक करके बताएगा कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भैया ने बताया कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, यानी कि उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलता है, कोई भी शिकायत नहीं करता, एक बार खाता है तो बार बार आता है। आपने इसको चेक किया, अंशुल यादव आपको कैसा लगा, एक बार माइक में बताने की कृपा करेंगे? जैसे मैंने बाहर खाया सेम वैसा टेस्ट आ रहा है, नमकीन डाल दी उसका टेस्ट थोड़ा अलग। अच्छा, कोई टेस्ट अलग तो नहीं है ना? नहीं, यानी कि जैसा कि अंशुल यादव ने पहले कभी खाया था वैसा ही वैसा टेस्ट है बिल्कुल, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय शंभू जय भोलेनाथ लिखे बिना बिल्कुल मत जाना मेरे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।